टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इंजरी से फिट हो चुके हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसन की फिटनेस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। संजू सैमसन को श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह टीम इंडिया से बाहर हो गए। लेकिन अब बीसीसीआई अधिकारियों ने संजू सैमसन की फिटनेस को लेकर और उनकी उपलब्धता को लेकर बड़ी अपडेट दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने बताया है कि संजू सैमसन अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। संजू सैमसन टीम में खेलने के लिए उपलब्ध हैं और वह सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज के दौरान संजू सैमसन को इंजरी हुई, जिसके बाद वह एनसीए में चले गए और रिहैब पीरियड से गुजरे और इसके बाद अब वह पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और टीम के स्क्वाड में शामिल होने के लिए भी वह तैयार हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च के महीने में खेली जाएगी। ऐसे में संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए एक खिलाड़ी साबित हो सकती हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर भी भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद भारतीय टीम एक विकेट कीपर की तलाश में है। वहीं बीसीसीआई अधिकारियों ने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर भी अपडेट दिया है। बीसीसीआई अधिकारियों का मानना है कि जसप्रीत बुमराह को फिट होने में 1 महीने का वक्त और लग सकता है। बुमराह लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं और वह अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई अधिकारियों ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह को अब 1 महीना और लग सकता है और उसके बाद ही वह टीम इंडिया के लिए फिट हो पाएंगे। बता दें कि बुमराह T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ कई बड़े टूर्नामेंट, कई बड़ी सीरीज को मिस कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें भारतीय टीम के अंदर शामिल किया गया, लेकिन मैच और सीरीज शुरू होने से पहले ही जसप्रीत बुमराह को लेकर अपडेट आई कि बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है और अब एक बार फिर से वह एनसीए में है, रिहैब पीरियड से गुजर रहे हैं और 1 महीने के बाद ही वह टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे। बहरहाल संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के फैंस के लिए बड़ी खबर यही है कि संजू सैमसन पूरी तरीके से फिट है और बुमराह को 1 महीने का वक्त और लग सकता है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।